डॉक्टर अभिलाषा कुमारी, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, स्त्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज इक्ता व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो इक्ता व्यवस्था से आज से उस स्थानांतरणीय भूमि अनुदान से है जो अमीरों को उनकी भावी सेवा शर्तों की पूर्ति हेतु प्रदान किया जाता था, और इस व्यवस्था का प्रारंभ भारत में मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया था। लेकिन इस व्यवस्था को एक व्यवस्थित स्वरूप सुल्तान इल्तुतमिश ने प्रदान किया। अब इक्ता व्यवस्था को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि इक्ता व्यवस्था की उत्पत्ति में किन कारणों का योगदान रहा। तो इक्ता व्यवस्था की उत्पत्ति के कारणों में अनेक कारण है। पहला कारण हमें देखना है निरंतरता के तत्व के रूप में, यानी निरंतरता के तत्व के रूप में इक्ता व्यवस्था का उदय दृष्टिगोचर होता है। और इस सिद्धांत के अनुसार अब्बासी, सलजुक तथा तुर्की राजत्व में इक्ता व्यवस्था की उपस्थिति दृष्टिगोचर होती है। इक्ता व्यवस्था की उपस्थिति जो मिलत की इस्लामी मान्यता थी उसको दर्शाने के लिए भी है। और इस व्यवस्था में क्या था, सुल्तान सम्मानों में प्रथम होता था, तो सुल्तान अपने बराबर का दर्जा ही जो अपने युद्धपति या अपन कहें प्रांतीय गवर्नर उनको प्रदान करता था, और इस रूप में उन्हें मुक्ता या वली का नाम दिया गया। तो अपन देखें तो जो इस्लामी शासक वर्ग था वो जिस शासन व्यवस्था से परिचित था वह प्रशासन की इक्ता प्रणाली ही थी। और यह स्वाभाविक ही था कि जब भारत में उनका साम्राज्य स्थापित हुआ तब उन्होंने इक्ता व्यवस्था को ही अपने शासन का आधार बनाया। दूसरा कारण है अस्थिर वित्तीय आधार। इक्ता प्रणाली के उदय में इस कारण का भी प्रमुख योगदान रहा। इसमें क्या था कि जो प्रारंभिक सल्तनत राज्य था वह एक छोटा क्षेत्र था, तो ऐसे राज्य में आर्थिक संसाधनों की बहुत अधिक कमी थी, और साथ ही इसे लगातार युद्ध द्वारा अपने अस्तित्व को बचाए रखना भी आवश्यक था। तो ऐसी स्थिति में सुल्तान को एक प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने का उचित समय नहीं मिल पाया। वही दूसरी ओर सल्तनत अपने पदाधिकारियों को नगद वेतन दे पाने की स्थिति में भी नहीं था। तो इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व अनुदान प्रदान किए गए और इस व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। तीसरा कारण है स्थानीय समस्याओं के समाधान का प्रयास। तो सल्तनत ने स्थानीय समस्याओं का हल स्थानीय स्तर पर ही निकालने की नीति का अनुसरण किया। तो इस नीति के अनुसार स्थानीय प्रशासन का जिम्मा मुक्ताओं और वलियों को सौंप दिया गया। जो प्रांतीय गवर्नर थे उनको नाम दिया गया था मुक्ता या वली। तो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी थी, मुक्ताओं और वलियों की। और राज्य ने इस तरह की समस्याओं से स्वयं को अलग कर लिया और इक्ता व्यवस्था शासन व्यवस्था का अपरिहार्य अंग बन गई। चौथा कारण है अस्थिर मुद्रा प्रणाली। तो इक्ता व्यवस्था के उदय में यह भी एक कारण माना गया है, क्योंकि अगर मुद्रा व्यवस्था स्थिर नहीं है तो कोई भी व्यक्ति मुद्रा के रूप में वेतन नहीं लेना चाहेगा, अतः वेतन का भुगतान वैकल्पिक साधनों से ही करना होगा। और भारत में वैसे भी राजस्व अनुदान प्रारंभ से ही वेतन भुगतान की प्रणाली का एक पार्ट रहा है, और इसीलिए सल्तनत काल में भी शासन व्यवस्था में इक्ता व्यवस्था को अनुसरण किया गया। तो ये थे इक्ता व्यवस्था की उत्पत्ति के कारण। अब अपन को देखना है कि सल्तनत काल में इक्ता के कितने रूप थे, यानी इक्ता के कितने प्रकार थे। तो सल्तनत काल में इक्ता के तीन रूप दिखाई देते हैं।
पहला है मदद ए मास या इनाम। तो इस रूप में जो इत्ता दिए गए वो उलेमाओं, विद्वानों और जो पुराने स्वामी भक्त नौकरशाह थे उनको दिए गए। और इसकी एक प्रमुख बात ये थी कि ये जिन विद्वानों और उलेमाओं को दिए जाते थे उनसे बदले में राज्य किसी भी प्रकार की सेवा नहीं लेता था। और इस प्रकार के इक्ता अर्ध आनुवंशिक भी होते थे और यह तब तक आनुवंशिक होते थे जब तक सुल्तान चाहता था। दूसरा इक्ता था बड़े इक्ता। ये इक्ता जो प्रांत के बराबर होता था और ये इक्ता गवर्नरों अर्थात मुक्ता या वलियों को प्रदान किए गए थे। और इस इक्ता में राजस्व प्रशासन और सैनिक प्रशासन दोनों को जोड़ दिया गया था और दोनों की जिम्मेदारी किसके पास थी? प्रांतीय गवर्नरों के पास। तीसरा इक्ता था छोटे इक्ता। यह इक्ता शाही घुड़सवार सेना के घुड़सवारों को प्रदान किया जाता था। इन्हें यह इक्ता उनके सैन्य दायित्वों की पूर्ति हेतु दिया जाता था। यह भी अर्ध आनुवंशिक होता था यानी तब तक जब तक सुल्तान चाहता था। ये थे एकता के प्रकार या एकता के रूप। अब आगे अपन को ये देखना है कि एकता व्यवस्था के प्रभाव या परिणाम क्या निकले। तो सुल्तान इल्तुतमिस ने एकता व्यवस्था के माध्यम से इस्लामी साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। अपने अपने एकताओं में एकतादार अनेक प्रकार की भूमिका निभाई। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत इक्तादारों के हाथों में राजस्व, सेना, न्यायिक, प्रशासनिक शक्तियों का संकेंद्रण हुआ और संभवतः इसी संकेंद्रण ने इक्तादारों को महत्वाकांक्षी भी बना दिया था। जैसे अपने को देखने को मिलेगा कि अनेक बार इक्ता की यानी जो स्थानांतरणीय भू क्षेत्र था उस इक्ता की वास्तविक आय छुपा ली जाती थी यानी सुल्तान के सम्मुख जो एक्चुअल में वास्तविक आय थी वो नहीं दर्शाई जाती थी और अनेक क्षेत्रों में इक्तादार विद्रोह करने में भी सफल रहे। तो पहला प्रभाव तो ये था कि इस्लामिक साम्राज्य को सुदृढ़ता मिली। दूसरा प्रभाव था क्षेत्रीय शक्ति का विकास एवं विस्तार हुआ। और तीसरा प्रभाव है क्षेत्रीय संस्कृति का विकास। लेकिन इसके कुछ दुर्बल भी पक्ष भी सिद्ध हुए। जैसे इक्ता व्यवस्था ने जैसे सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में योगदान दिया और कालांतर में यही व्यवस्था बाद में सल्तनत के दुर्बलीकरण का भी एक कारण बनी। लेकिन कुछ क्षेत्रों में इक्तादारों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपनी जो व्यवहारिकता एवं दूरदर्शिता का भी अद्भुत परिचय दिया और उन्होंने धर्मांधता की नीति त्याग कर उदार नीति का पालन किया। और जहां अपन डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इक्ता व्यवस्था के तहत व्यापार के नवीन केंद्र बने जो तृतीय नगरीकरण की अवस्था के सूचक भी बने। और एक अन्य प्रभाव ये था कि इससे इस्लामी और हिंदू संस्कृति दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और इक्तादारों के कार्यस्थल सामाजिक गतिशीलता के केंद्र भी बने और इन्हीं स्थलों पर विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक कुप्रथाओं पर भक्ति सुधारकों ने आगे चलकर आंदोलनों का सूत्रपात भी किया।